नमस्कार, nishamudulika.com में आपका स्वागत है। आज हम मावा के पेड़े बनाएंगे, तो आइए देखें मावा के पेड़े बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। मावा 300 ग्राम, 1.5 कप, तगार या बूरा 1 कप, घी 1 टेबल स्पून, पिस्ते 10-12 और छोटी इलायची 10। तो पेड़े बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें मावा को भूनना होगा, इसके बाद हम बूरा मिलाएंगे और पेड़े बना लेंगे। तो सबसे पहले हम मावा को भून लेंगे। पैन हमने गैस पर रख दिया है, पैन थोड़ा गर्म हो जाए। अगर मावा टाइट है तो इसे क्रम्बल कर लें, और सॉफ्ट है तो डायरेक्ट कढ़ाई में डाल करके भून सकते हैं। तो ये मावा काफ़ी सॉफ्ट है। मावा भूनते में थोड़ा सा घी डाल लेते हैं तो मावा आसानी से भुन जाता है, जलता नहीं है। मावा को लगातार चलाते हुए हल्का ब्राउन होने तक भूनना है। मावा को अगर हम अच्छे से भून लेंगे तो पेड़े की सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, उन्हें ज़्यादा दिन तक रख के खा सकते हैं। मावा को हम इसी तरह लगातार चलाते हुए हल्का गुलाबी होने तक भूनेंगे। ये मावा हल्का ब्राउन हो गया है और ये भुन गया है। हम गैस बंद कर देते हैं और मावा को थोड़ा ठंडा होने देंगे, इसके बाद हम इसमें तगार मिलाएंगे। तो मावा को ठंडा, जब तक मावा ठंडा होता है तब तक हम ये पिस्ते काट लेते हैं और इलायची पाउडर बना के तैयार कर लेते हैं। मावा ठंडा हो गया है, मतलब कि कम गर्म रह गया है। इसमें हम अब तगार मिला लेते हैं। और हमने 4 इलायची का पाउडर बना लिया, वो मिला देते हैं। बाकी हम इलायची को छील के इसके ऊपर सजाएंगे। तो इनको हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। ये मावा चीनी सब मिक्स हो गया अच्छे से। अब हम पेड़े बनाना शुरू करते हैं। तो थोड़ा सा हम मावा उठा लेंगे और हाथ से इसे गोल करेंगे। और इसे पहले तो हम गोल कर लेंगे और अब हम पेड़े का दबा करके शेप देंगे। इस तरीके से और बना बना के रखते जाएंगे। पेड़े का सांचा हो तो बहुत जल्दी बन जाते हैं, हाथ से थोड़ा सा टाइम लग जाता है शेप देने में। ये पेड़े बनाने के लिए हम मावा में जब चीनी मिलाते हैं तो ज़्यादा गर्म में नहीं मिलाएंगे, वो पतला हो जाता है। चीनी मेल्ट होती है और पतला हो जाता है और पेड़े नहीं बन पाते। और ज़्यादा ठंडे में मिलाए तो ड्राई हो जाता है और तब भी पेड़े नहीं बन पाते। तो हम मावा को चेक करेंगे उंगली से, और उंगली टच करने लायक हल्का गर्म जब मावा रहे तभी हम तगार या बूरा मिला देंगे। ये पेड़े बन गए और अब हमने जो पिस्ते काट के रखे हैं और इलायची है
उनको थोड़ा सा इनके ऊपर लगा करके डेकोरेट कर देंगे, दो दो पीस, जस्ट दो दो दाने इलायची के। मावा के पेड़े तैयार हैं। आप किसी भी त्यौहार पर या जब आपका मिठाई खाने का मन हो तब आप मावा के पेड़े बनाइए और अपने अनुभव nishamadhulika.com पर शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं nishamadhulika.com पर।